पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैं अपेक्षा करूंगा सभी लोगों से स्वच्छ परेड कमांडर द्वारा अपनी जगह लेकर काम कराया जाएगा। तो आप सभी लोगों ने जोड़ दिया है और उसके बाद माननीय प्रतिनिधि महोदय द्वारा उन कर्मचारियों परेड कमांडर और टोली कमांडर्स यातायात पुलिस फर्स्ट प्लाटून श्री जसवीर सिंह, द्वितीय प्लाटून कमांडर द्वितीय प्लाटून सी आर से और उसके प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री किरण कुमार, थर्ड प्लाटून अभियोजक कार्यालय प्लाटून प्लाटून पुलिस बल यूनिट आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर योजनों के साथ उसका एक भव्य प्रदर्शन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उत्सव में अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभियोजन कार्यालय के प्लाटून कार्यक्रम करने वाले प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री संजय कुमार, अब ऐसा ट्रैफिक कौन आ गया क्या बता यार, नागरिक पुलिस चतुर्थ प्लाटून का नेतृत्व करने वाले उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री रोहित सिंह, दूसरी महिला पुलिस प्लाटून कमांडर महिला उप निरीक्षक अमरेश देवी, सभी प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त किया गया और इसके बाद प्लाटून कमांडर अपने कमांडर परेड कमांडर के नेतृत्व में परेड ग्राउंड। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन किया था, जिसका मान प्रमाण आयुक्त महोदय के द्वारा लिया गया है। मैं इस अवसर पर समस्त जनपदवासियों को, समस्त पुलिसकर्मी को, अपने साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस परेड ग्राउंड पे पुलिस लाइन में इतना भव्य परेड कराने के लिए, साज सज्जा के लिए परेड कमांडर उनकी पूरी टीम, आरआई साहब उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन आज यहां पुलिस लाइन में कराया। आयुक्त महोदय के द्वारा हम सभी लोगों का को आशीष वचन देकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया गया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज डीजीपी मुख्यालय के द्वारा हमारे कई कर्मियों को कमेंडेशन डिस्क मिले, साथ ही साथ जिन पुलिस कर्मियों ने पिछले एक वर्ष में जिले में बेहतरीन कार्य किए हैं उन सभी तकरीबन 60 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।